वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर दीजिए। और आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ कच्चे आम की खट्टी मीठी और चटपटी गटागट गोलियां, जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और आप उन्हें एक साल तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चटपटे गटागट बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए कुछ कच्ची आमी, तो आप देख सकते हो इन्हें मैं छील लूंगी। इसी तरीके से मैं सारी आमियों को पहले छील लूंगी। सारा आपको छिलका उतार लेना है इनका। मैंने अपनी कच्ची आमियों को अच्छे से कट कर लिया है, आप देख सकते हो मोटा मोटा कट करा है और इसे वॉश कर लिया अच्छे से। ये तकरीबन मेरे पास 300 ग्राम होंगी जो कच्चे आम है मेरे पास। इन्हें मिक्सी जार में डालकर हम पीस लेंगे। आपको इसमें पानी का यूज नहीं करना है, ये ऐसे ही पीस जाएंगी और मैंने यहाँ पे पीस लूंगी। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। और अब यहाँ पे लिया है मैंने पैन, और पैन में मैं डालूंगी यहाँ पे आधी चम्मच घी। यहाँ पे घी गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच हींग। तो मेरी काफी स्ट्रांग हींग है इसलिए मैंने 1/4 चम्मच डाली है। अगर आपके पास मार्केट वाली डब्बे वाली है तो आप आधी चम्मच हींग भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये स्मूथ पेस्ट कच्चे आमी का। और अब हम इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी गुड़ यानी जैगरी। मैं 200 ग्राम जैगरी यहाँ पे यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी का भी यूज कर सकते हो उसकी जगह। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी, तो मैं यहाँ पे 50 ग्राम चीनी भी ऐड कर रही हूँ। मैं दोनों चीज का यूज कर रही हूँ इसमें। और इनको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। आप चाहो तो किसी एक चीज का भी यूज कर सकते हो, चाहे तो आप गुड़ यूज करो चाहे आप चीनी यूज करो। मैंने यहाँ पे दोनों यूज करी हैं। और इन्हें आप अच्छे से धीमी आंच पे चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा चीनी और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें अजवाइन पाउडर, रोस्टेड अजवाइन पाउडर है मेरे पास आधी चम्मच। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, तो वो भी आधी चम्मच। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर आधी चम्मच, सॉल्ट पाउडर आधी चम्मच, सौंफ का पाउडर वो भी आधी चम्मच डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, काला नमक आधी चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर आधी चम्मच, आमचूर पाउडर आधी चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर। और फिर उसके बाद मैं डाल रही हूँ सफेद नमक आधी चम्मच। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसाले दोस्तों सेहत के लिए भी हमारे बहुत अच्छे होते हैं और पेट के लिए भी खासकर बहुत अच्छे होते हैं। जो हमारी गटागट गोलियां हैं ये बहुत ही अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए। तो इन सबको मैं करूंगी अच्छे से मिक्स। और इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक इसका पूरा पानी अच्छे से सूख नहीं जाता और ये पैन में चिपकने नहीं लग जाता, तब तक हम इसे चलाएंगे अच्छे से। ये गोलियां बहुत ही बढ़िया बनती हैं और बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। बिल्कुल देखिए आपको ऐसे उठा उठा के नीचे से पलटना है क्योंकि ये धीरे धीरे चिपकने लगेगा। ये देखिए इसका सारा पानी सूख चुका है और ये पैन में चिपकने लगी, जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखिए ये चिपकने लगी है। और अब मैं यहाँ पे कर दूंगी गैस को बंद और इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे पूरे तरीके से। और इसे हम पूरे तरीके से ठंडा कर लेंगे, तो मैं इसे रख दूंगी साइड। ये देखिए हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है।
बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और यहाँ मैंने ली है पिसी हुई चीनी, ये चीनी का पाउडर है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसको हाथ पे, उसके बाद इसकी छोटी सी गोली तोड़ेंगे और रोल करेंगे। ये देखिए अच्छे से गोल कर लिया मैंने, और अब इसे मैं चीनी के पाउडर में कोट कर लूंगी और यहाँ साइड रख लूंगी। और इसको भी कोट कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो शुगर का पाउडर है उसे ऐसे हिला के निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस से मैं सारी गोलियां तैयार कर लूंगी अपनी। ये देखिए हमारी आम की खट्टी मीठी चटपटी गटाकट गोलियां एकदम रेडी हैं, और मैंने इन्हें एक बोल में रखा है। आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं एक शीशी में भरकर एक साल तक के लिए, और ये बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती हैं, पेट के लिए बहुत लाभदायक होती हैं।